जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। 78ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದಾಖಲೆಯ 98 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಅತಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಚುನಾವಣೆಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ 3-6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ನನಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಭಾರತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳ ತ್ವರಿತ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು, ಇಂತಹ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದ ಅಲ್ಲ, 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ದೇಶ ಎಂದೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸೋ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಲೋಕಲ್ ಫಾರ್ ವೋಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಲೋಕಲ್ ಫಾರ್ ವೋಕಲ್ ಹೊಸ ಮಂತ್ರವಾಗ್ತಿರೋದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಅನ್ನೋ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूं. मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू वहां के अल्पसंख्यक उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो. भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले. शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है. हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश के विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं. और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं. एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं बहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है. इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं. इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो. राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो. वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है. मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है. लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है. अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है. और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है. हमारे देश में
सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, इसकी सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं, चुनौतियां भीतर भी हैं, चुनौतियां बाहर भी हैं, और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है, बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है। और मुझे उसका भलीभांति अंदाज है, लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए, आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना यह हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड़ देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए, भाग्य सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हर बद नियत वालों को हम हमारी नेक नियत से जीतेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। हम ये न भूले कि इस देश उस परिस्थितियों से भी दशकों तक भी आजादी के बाद समय बिताया है जब होती है चलती है, अरे यार ये तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, अरे मामला है अगली पीढ़ी दिखेगी, अरे हमको मौका मिला है यार मौज कर लो, आगे वाला आगे का जाने हमें क्या करना है, हम अपना समय निकाल दें, अरे नया करने जाओगे कोई बवाल उठ जाए। पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहौल बन गया था, जो है उसी से गुजारा कर लो यही का माहौल बन गया था। और लोग तो कहते अरे भाई छोड़ो अब कुछ होने वाला नहीं है, चलो ऐसा ही मन मर गया था। हमें इस मानसिकता को तोड़ना था, हमें विश्वास से भरना था, और हमने उस दिशा में प्रयास किया। कई लोग तो कहते थे अरे भाई अगली पीढ़ी के लिए काम हम अभी से क्यों करें, हम तो आज का देखें, लेकिन देश का सामान्य नागरिक ये नहीं चाहता था। वो बदलाव के इंतजार में था, वो बदलाव चाहता था, उसकी ललक थी,
लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जो नहीं दी, उसकी आशा आकांक्षाओं को अपेक्षाओं को तवज्जो नहीं दी गई और उसके कारण वो मुसीबतों को झेलते हुए गुजारा करता रहा, वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा। हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो चार दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं, रिफॉर्म्स का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। ये हमारा रिफॉर्म, ये ग्रोथ, ये बदलाव, ये सिर्फ डिबेट क्लब के लिए, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लिए, एक्सपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। साथियों, हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया है। हम जो गिल्टी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सुप्रीम। ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। साथियों, जब रिफॉर्म की बात आती है, एक लंबा परिवेश है, अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाऊंगा तो शायद घंटों निकल जाएंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बैंकिंग क्षेत्र में जो रिफॉर्म हुआ, आप सोचिए बैंकिंग क्षेत्र का क्या हाल था, न विकास होता था, न विस्तार होता था, न विश्वास बढ़ता था। इतना ही नहीं, जिस प्रकार की कारनामे चले उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे। हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए अनेकविध रिफॉर्म्स किए और आज उसका कारण हमारी बैंक विश्व में जो इन्हीं गुनी मजबूत बैंक के हैं उसमें भारतीय बैंकों ने अपना स्थान बनाया है। और जब बैंक मजबूत होती है ना, तब फॉर्मल इकोनॉमी की ताकत भी बढ़ती है। जब बैंक की व्यवस्था बन जाती है, जब सामान्य गरीब, खास करके मध्यम वर्ग के परिवार की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने की सबसे बड़ी ताकत बैंकिंग सेक्टर में होती है। अगर उसको होम लोन चाहिए, उसको व्हीकल का लोन चाहिए, मेरे किसान को ट्रैक्टर के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को स्टार्टअप के लिए लोन चाहिए, मेरे नौजवानों को कभी पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, किसी को विदेश जाने के लिए लोन चाहिए, ये सारी बातें उसे संभव होती है। मुझे तो खुशी है कि मेरे पशुपालक भी, मेरे मछली पालन करने वाले भाई बहन भी आज बैंकों से लाभ ले रहे हैं। मुझे खुशी है मेरे रेहड़ी पटरी वाले लाखों भाई बहन आज बैंक से साथ जुड़ करके अपनी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं और विकास की दिशा में वो भागीदार बन रहे हैं। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्योग के लिए तो बैंक एक सबसे बड़ी सहायक होती है। उसको रोजमर्रा पैसों की जरूरत होती है अपने नित्य मर्जी पर प्रगति के लिए, और उस काम को हमारी मजबूत बैंकों के कारण संभव हुआ है। साथियों,